दोस्तों कहते हैं कि जब किसी कम जर्फ को आप उसकी औकात से ज्यादा कोई चीज दे दो तो वो इसका बहुत बुरा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे ना सिर्फ उस शख्स को नुकसान पहुंचता है बल्कि दूसरे लोगों की भी दिल आजारी होती है। यही मिसाल हम पाकिस्तानियों पर बैठती है जो कि सोशल मीडिया पे चंद नमक हराम लोग बैठे हैं जो कोई खबर सुनते हैं तो तस्दीक किए बगैर उस बात का प्रचार शुरू कर देते हैं। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे चंद ऐसे नमक हराम मंजन बेचने वाले बैठे हैं जो अपने कॉन्टेंट को वायरल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने नेशनल हीरोज तक के खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं और इस बात का नहीं सोचते कि उस शख्स का, उस नेशनल हीरो का हम पे कितना एहसान है, हम पे उन्होंने कितनी मेहरबानी की है और हमारे दिफा को दुनिया में कितना नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। दोस्तों ऐसे ही चंद नमक हराम और बेशरम लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात की झूठी खबर फैलाई है और लोगों के अंदर एनार्की और कैओस फैलाया है। दोस्तों लोगों ने यह खबर वायरल की है कि एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने इस मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, इस मुल्क को एटम बम दिया, उन वो वफात पा चुके हैं। इस खबर को तस्दीक के बगैर लोगों ने भी इनकी बातों पर यकीन कर लिया और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना शुरू कर दिया, जबकि ये बात बहुत ज्यादा वायरल हो गई। इसके बाद मुमताज एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने इंतकाल की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह मुझे दुश्मनों के दिल जलाने के लिए मजीद जिंदगी अदा करे। एडमिट साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इलालत के बाइस अस्पताल में जेरे इलाज हैं और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इलालत के बाइस सोशल मीडिया पर इनके इंतकाल की झूठी खबरें फैल गई हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो बयान में कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं सलामत हूँ। चंद नमक हराम सोशल मीडिया पर बुरी बुरी खबरें लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह मुझे दुश्मनों के दिल जलाने के लिए मजीद जिंदगी अदा करे। तो इस पोस्ट पर तमाम सारिफीन ने तबसरा करते हुए इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हुए लिखा है कि अल्लाह आपको तवील उम्र से नवाजे और मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। दोस्तों हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे साइंसदान जिन्होंने इस मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खिदमत की, अल्लाह ताला उनको ज्यादा से ज्यादा जिंदगी अदा करें ताकि वो इसी तरह से इस मुल्क को करें, इस मुल्क के लिए नई इजादात करें और इस मुल्क को तरक्की की मेराज पर पहुंचाएं। दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की कोई भी खबर सुनते हैं तो उस पर तस्दीक किए बगैर उस बात को शेयर ना कीजिए, क्योंकि इससे दूसरे शख्स की दिल आजारी हो सकती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की भी इस खबर से बहुत ज्यादा दिल आजारी हुई है और वो इस खबर से बहुत ज्यादा मायूस हुए हैं। तो दोस्तों एक मरतबा फिर से आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप कोई भी खबर सुने पहले उसकी तस्दीक करें फिर उसको फैलाएं, और जितने नमक हराम बेशरम लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि थोड़ी सी शर्म कर लें, अपने नेशनल हीरोज का ख्याल करें, पाकिस्तानी अवाम का ख्याल करें, अपने मुल्क का ख्याल करें। अपना मंजन बेचने के लिए आप कोई अच्छा कंटेंट लेके आए, ये क्या तरीका है कि आप बुरी खबरें, झूठी खबरें फैलाकर मंजन बेच रहे हैं और आप व्यूज वगैरह के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो सुनने के बाद यकीनन इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि आइंदा कोई भी बात शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक जरूर करेंगे। दोस्तों इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला हमारे नेशनल हीरोज का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम रखे और उनको ऐसे ही इस मुल्क की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और दुश्मनों का दिल ऐसे ही हमारे नेशनल हीरोज को देख देख के जलता रहे।